गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज बनाते हैं बादाम का बर्फी। पैन में चढ़ा के हल्का धीमा आंच में इन्हें अच्छी तरह भूने, इनका छिलका उतर दें। इस पैन में कुछ घी तेल कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही बादाम को भूनना। बादाम भूनना जाने पर अपने चटकने का आवाज आने लगता है। कुछ इस तरह भूनने के बाद इसे उतार ले, इसका छिलका निकाल दे। छिलका नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। अब नारियल को कद्दूकस करते अभी इसे भी हल्का आंच में थोड़ा सा भून ले। ज्यादा नहीं भूनना है नारियल को, हल्का सा भूनना है केवल। बस नारियल ड्राई होने तक भूनना है। देखिए गाइस, नारियल भुन गया है, अच्छी तरह से सूख गया है इसका पानी। इसको एक बर्तन में निकाल ले। बादाम को मिक्सी में अच्छी तरह पीस ले, पानी नहीं डालना है पीसने से, सूखा ही पीसना है। देखिए इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब इसे भी एक कटोरी में निकाल ले। बादाम को ठंडा होने पर ही पीसे, गरम गरम नहीं पीसना है। इसमें पाउडर वाला दूध मिलाएं 2 चम्मच, कोई भी ब्रांड का दूध ले सकते हैं। उसी में नारियल का चूर भी डाल दे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर। थोड़ा खोआ भी डाल दे अगर है तो डाले, नहीं तो ऑप्शन है, नहीं भी डाल सकते। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। यहाँ पे चूल्हे पर पैन चढ़ा के उसमें एक कटोरी चीनी डाले और उसी में थोड़ा सा पानी डाले। जितना चीनी लीजिएगा उससे आधा पानी डालिएगा। इसे अच्छी तरह से पिघलने दे। जब तक उस चीनी पिघल रही है तब तक हम एक थाली में थोड़ा सा घी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें बर्फी जमने में चिपके नहीं। देखिए गाइस, चाशनी तैयार है। ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं करना है, बस हल्का चिपचिपा होना चाहिए। देखिए चाशनी तैयार है। अब धीमा आंच में ही रखे। अब इस बैटर को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाए। इसे धीमा आंच में ही रख के मिक्स करें।
पूरा चाशनी एक बार में सूख जाएगा। सभी बैटर को डाल के और चलाते रहे धीरे धीरे। जब तक ये पैन न छोड़ दे तब तक इसे चलाते रहे धीमी आंच पर। ये एक चम्मच उसमें घी डालें, फिर इसे अच्छी तरह से चलाएं। देखिए गाइस, अब बैटर पैन छोड़ने लगा है। बस इसी स्टेज में उतार दे चूल्हे से। ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, उतार के घी लगा हुआ प्लेट में डालें। ये थोड़ी सी इलायची डाल दे उसी समय, इसे अच्छी तरह से चला लें। देखिए अब बैटर पैन छोड़ने लगा है। देखिए अब बैटर तैयार है। अब इसे चूल्हे से उतार के घी लगा हुआ प्लेट में से निकालें। देखिए और इसे अच्छी तरह से फैला दो। ये बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं और सेहतमंद भी है। इसे अच्छी तरह से फैला दे और एक दो घंटा के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दे, ताकि ये सेट अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर इसको बर्फी के साइज में या कोई भी अपने मनपसंद आकार में काटे और सर्व करे। देखिए अब इसे आपने कोई भी शेप में काटिए। अब आपका बर्फी बन के तैयार है, स्वादिष्ट और सेहतमंद बर्फी। खाइए और खिलाइए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में।